पुलिस वाला मेरे को पकड़ लेगा। अगर आप ऑटोमोबाइल फोटोग्राफर हो या फिर वीडियोग्राफर हो, एनी काइंड ऑफ यूज, यू कैन यूज दिस। गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज़ मेहुल। और आज अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा अगर अलग लगेगा या फिर लगेगा कलर में कुछ डिफरेंस है वगैरह, तो उसी बारे में ही थोड़ा बहुत वीडियो है। तो मैं आपको ज़रा जाता हूँ, निकलता हूँ मैं घर से बाहर और समझाता हूँ कि एक्चुअली सनलाइट में जाके क्या डिफरेंस आने वाला वीडियो में, और वो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों ये इतना अगर आपको बेटर लग रहा है तो क्यों ये बेटर लग रहा है। मेरे हिसाब से तो द कलर्स आर गोना बी अमेजिंग आफ्टर दिस, सो चले। और ये हम लोग फाइनली निकल चुके हैं घर से, आज निकल थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया यार, दोपहर के 2 बज गए एक्चुअली। और अब मैं जा रहा हूँ निर्मित के यहाँ पे, तो हमारा एक्चुअली 2-3 चीज़ें शूट करने का प्लान है, तो वो निपटाएंगे। और उसके बाद ये जो कैमरा पे जो नया एडिशन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तक अब वो चीज़ जो है वो लगी हुई है, पता नहीं मेरे को आप लोगों को डिफरेंस समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। और ये फुटेज को मैं कम्प्लीटली मतलब अनटच रखूँगा, कुछ कलर ग्रेडिंग एडिटिंग वगैरह यू नो कुछ भी नहीं करूँगा। तो आप लोग वो डिफरेंस देख सकते हो कि कैसा आ रहा है। और एक्चुअली वाली चीज़ है ना, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मुंबई में तो चलो फिर भी ठीक है, इतना नहीं उसका काम पड़ता है, बट हाँ इन दैट टेरेन ज़रूरत से ज़्यादा उसका काम होगा भाई। और आप लोग सोच रहे आज वापस ये क्यों निकाली है, क्योंकि यार 2-3 जो रील्स पोस्ट करनी है वो बनानी है मेरे को, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था दिन के टाइम में इसको निकालने का। इसके लिए थोड़ा दोपहर में निकला तो ताकि ट्रैफिक कम रहेगा, और आधे टाइम में रश आर से उल्टा होगा तो भी और ट्रैफिक कम मिलेगा। तो यार ऐसा प्लान आउट करके निकला हूँ, अब देखते हैं कितना काम होता है प्लान के मुताबिक। क्या गंदा पानी पड़ा, अरे रे रे आगे भी पानी है। ओह नहीं जाना मेरे को पानी में, एक्स नो नॉट गोइंग देयर, सॉरी। ये ट्रक जाने का वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ मस्त ब्लू हो गया मेरा चश्मा, सही लग रहा है। और पता है मेरे को फ्यूल लाइट दिख रही है, अब जाके आगे भराऊंगा, थोड़ा सा लेट हो गया इसके लिए भराया नहीं मैंने। yeah. यार इस टाइम पे मेरे को ट्रैफिक नहीं चाहिए था, वही मिल रहा है अभी, क्योंकि ऊपर से धूप पड़ रही है इतनी और बाहर का टेम्परेचर दिखा तो इसमें 33 डिग्रीज रहा है, बट जो स्किन पे फील हो रहा है वो थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप लोगों को भी डिफरेंस पता चल रहा है फुटेज में तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना, और क्या डिफरेंस पता चल रहा है ये बताना। वीडियो के एंड तक मैं सारा कुछ समझाऊंगा कि एग्जैक्टली डाला क्या है, कर क्या रहा हूँ, और मतलब इससे होता क्या है। दे देती है और हाईवे पे जाएगा तो 18-19। हाँ 300
पुलिस वाला मेरे को पकड़ लेगा। हाँ तो अंकल मेरे को बोल रहे थे अरे कंपनी वाली गाड़ी का पैसा नहीं लेते, मॉडिफाइड गाड़ियों में पैसा लेते हैं। तो बोला अंकल क्या बोलूँ अभी आपको जान दो। सब लोग आ गए निर्मित के घर पे, और अगर ये बहुत अंधेरा अंधेरा दिख रहा है तो फिर मेरे को ना इधर इधर ब्लेम करना है, क्योंकि इसके रूम में एक लाइट है। ये श्रियांश का भाई है? नहीं, ये नहीं, दो चार लाइट है। ओके चार, वन डिसरिस्पेक्ट, फोर रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, चार लाइट है। तो और एक ऐसा दूसरा ना मेरा दोस्त है श्रियांश, वो उसका रूम पूरा ब्लैक है और उसमें लाइट भी नहीं है। इधर कम से कम मेरा रूम ग्रे है और चार लाइट है, वो ब्लैक है चार। तो हम लोग बस अभी बैठे थे, हम लोग यहाँ पे एक्चुअली शूट करना है तो नीचे जाके वो करेंगे, और हम लोग सोचा था ये जो लगाया ना ये बताना था मेरे को, हाथ में लूज हो रहे। हाँ तो ये देखो ये जो लगाया हुआ है, मैंने अब दिखाता हूँ कि ये क्या है, पहले इसको निकाल लूँ तो समझेगा। ये देखो डिफरेंस देखा, CPL का कमाल। अगर लग रहा है ये ND फिल्टर तो ये ND फिल्टर नहीं है, इसके बारे में बताते रुक जाओ। सो ये बेसिक GoPro लेंस है और ये है GoPro का CPL फिल्टर, काम एकदम सिमिलर सेम करता है। बस जब आप इसको लगा दो आपकी फुटेज ओवर एक्सपोज नहीं होती है, आपके फुटेज में जो आपको वो कलर और वाइब्रेंस चाहिए, जो ग्रेडिंग जैसा फील होता है वो इसकी वजह से होता है, और जो ब्लूज़ है जो अच्छे से दिखेंगे, जो बाकी जो सारे कलर्स है वो सब इसके वजह से और बेटर दिखेंगे और फुटेज ओवर एक्सपोज नहीं होगी। ये भी आई थिंक टेलीसिन ब्रांड का, इट इज़ अवेलेबल अमेजोन फॉर 1500 rupees, एंड दीज थिंग्स शुड बी इन योर आर्सेनल इफ़ यू आर अ फोटोग्राफर वीडियोग्राफर और बेसिकली कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, एंड वेर यू वॉन्ट द मैक्सिमम आउट ऑफ योर कैमरा एंड द क्वालिटी, दिस आर द थिंग्स यू शुड हैव। एक और चीज़ आती है ND फिल्टर करके, बट देन वो थोड़ा सा उसको यूज़ करना ट्रिकी हो जाता है इन माई एस्पेक्ट। मतलब मेरे पास ND फिल्टर भी है बट देन आई वुड प्रेफर यूजिंग दी CPL फिल्टर्स इंस्टेड ऑफ दी ND। मतलब कंपेरिजन नहीं है, काम अलग है, बट देन मेरे एप्लीकेशन के लिए आई थिंक दिस इज मच बेटर। डिफरेंस देखा, सो दिस इज कॉल्ड अ सर्कुलर पोलराइजिंग फिल्टर, बेसिकली CPL इन लेमन टर्म्स। अब ये करता क्या है, बेसिकली जब आप इसको लगाते हो सो इट एलिमिनेट्स ऑल द रिफ्लेक्शन। सो इफ देयर इज अ वेरी हार्श सनलाइट ऑन योर सब्जेक्ट विच यू आर शूटिंग, तो अगर आप इसको टर्न करोगे इट बेसिकली चेंजेस द कलर एंड रिमूव्स दोज रिफ्लेक्शन। अगर आप ऑटोमोबाइल फोटोग्राफर हो या फिर वीडियोग्राफर हो, इन एनी काइंड ऑफ यूज यू कैन यूज दिस टू गेट ऑल द रिफ्लेक्शंस आउट फ्रॉम योर सब्जेक्ट। सेकेंडली ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि जब हम व्लॉग करते हैं तो ये थोड़ा सा डार्क कर देता है विच पुट्स अप द सैचुरेशन एंड वाइब्रेंसी। मतलब जो ब्लू है थोड़ा अच्छा और ब्लू दिखता है, स्किन कलर थोड़ा बेटर दिखता है, कलर्स थोड़े अच्छे से और पॉप होते हैं, विच इज़ अ मस्ट इन टूडेज टाइम, बिकॉज यू नो कलर्स सही दिखना, सही कलर्स होना एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द वीडियो क्वालिटी, और आपको वो दिखाने बहुत ईजी हो जाता है कि कोई चीज़ का दो डिफरेंस क्या आ रहा है। सो दैट्स वाई आई हैव गॉट इट। ये बेसिक सा Amazon Basics का CPL फिल्टर है विच इज़ वॉट 600 rupees ऑन Amazon, एक दिन में डिलीवर हो जाता है, एंड इट्स रियली गुड, इट एक्चुअली वर्क्स। फाइनली आउट ऑफ द ट्रैफिक, पीछे इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला मेरे को, मतलब कांदिवली से टिल जोगेश्वरी में आराम से आ गया, बट आफ्टर जोगेश्वरी इट वॉज हॉरिबल। अभी थोड़ा सा चिल कर रहा हूँ, क्रूज कंट्रोल पे छोड़ दिया है बाइक को, भाई चल रही है आराम से, मतलब हाथ जल रहे हैं, पैर जल रहे हैं, और एक तो मैं फ्यूल डालना भी भूल गया, तो मेरे को ये टेंशन था कि बाइक का फ्यूल ख़त्म नहीं हो जाए। या दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। अभी जाते हैं घर पर, आराम से रेस्ट करेंगे, क्योंकि इसको ट्रैफिक में चलाने के बाद तो हालत एकदम टाइट हो जाती है। मतलब कोई भी बाइक को बेसिकली गर्मी में चला तो और क्या होगा। सो यार जाते हैं।